इतनी धूप आती कहाँ से है? आसमान से, बादलों से? धूप तो ठीक, ट्रैफिक इतनी हो गई। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आए हो आप सब? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं सैमसंग के सर्विस सेंटर, वो जो हमारा फ़ोन था उसके स्पॉट आया है उसकी चेकिंग कराने के लिए कि ये स्पॉट कैसे आया, क्योंकि न्यू फ़ोन है। तो जाते हैं सर्विस सेंटर, हमारे फ़ोन को चेक कराते हैं कि ये स्पॉट क्यों आया है। और आज बहुत ज़्यादा धूप है और मैं जल्दी उठ जाऊँ, तो हमारा रोज़ा भी है और बाहर बहुत धूप है। मैं मतलब यहीं से देख के डर गया हूँ, मैं थोड़ा दूर जाना है बाइक से, तो अल्लाह ना करे कि हमारा रोज़ा वोज़ा लगे कुछ हो। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह रोज़ा नहीं लगेगा। तो अभी चलते हैं और हमारे व्लॉग की शुरुआत करते हैं। बहुत गर्मी है। नीलयोग स्क्वायर, नीलयोग, हाँ सीधा। एक तो यहाँ के लोग हैं सिर्फ सीधा जाने बोल रहे हैं, चलते रह रहा हूँ मैं सीधा, कहीं आ ही नहीं रह रहे। तो अभी हम लोग घूमते ढूंढते आ चुके हैं पारे हमारे डेस्टिनेशन पे। तो ये बिल्डिंग है, ये देखो, नहीं दिख रही ना? हाँ, तो यहीं कहीं पे है, अभी जाते हैं अंदर। बहुत धूप थी, बहुत ट्रैफिक थी, दिमाग ख़राब हो गया, पर कोई नहीं, हमारा काम हो जाए तो चले चलते हैं और हमारा काम कराते हैं। पेन पार्क कहाँ पर? सैमसंग का सर्विस सेंटर। एक घंटा लगेगा? हाँ ठीक है, कहाँ करो? तो सैमसंग के सर्विस सेंटर हम लोग आए, पर यहाँ पे ना पार्किंग वार्किंग का बहुत इशू है। तो अभी मैं रोज़ा बहुत लग चुका है, तो अभी हम लोग ना पेएम पार्क के लिए आ गए, यहाँ जाए जा रहे हैं। देखो, तो अभी यहाँ गाड़ी पार्क करेंगे, क्योंकि अगर गाड़ी यहाँ से टो वो हो गई तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं आगे हो जाऊँ और वहाँ से बाइक निकालूँ मेरी, फिर बात करूँ कि यार लो बाइक दो, ऐसे दो वैसे दो, हिम्मत नहीं है भाई। रोज़ा लग चुका है, वैसे ही बहुत धूप थी। तो अभी हम लोग यहाँ पर बाइक पार्क करेंगे और ऊपर सर्विस सेंटर जाएंगे। तो बड़ी खामोशी हो गई यार यहाँ पे। तो हाँ, हम लोग ने यहाँ पे एन पार्क में बाइक पार्क कर दी है और अभी सर्विस सेंटर जाएंगे जो कि ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे। तो फिर देखते हैं, ऊपर बात करते हैं कि क्या मसला है हमारे फ़ोन का। तो अभी हम लोग सैमसंग के सर्विस सेंटर पहुँच चुके हैं, मतलब थोड़ा क्राउड है यहाँ पे, पर हमारे जो यहाँ पे भाई है गुरु भाई ने मेरा थोड़ा जल्दी करा दिया है ना, थैंक यू सो मच गुरु भाई। तो अभी हम लोग फटाफट वहाँ काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पे बताते हैं हमारी क्या प्रॉब्लम है और इंशाल्लाह आज हमारा काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर डिस्प्ले रहा तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो वंस अगेन थैंक यू गुरु भाई। ये फ़ोन है ना, इस पर स्पॉट आ गया यहाँ पर, ये नीचे। तो हमने अपना जो फ़ोन है हमारा वो सर्विस सेंटर में दिया और मसला ऐसा हो गया कि आज हमारा फ़ोन का काम हो सकता था, पर उस पर ना साइड में हल्का सा एक डेंट है। तो उन्होंने बोला कि ये डेंट चेक कराना पड़ेगा, फिर ये मतलब अगर डेंट रहा तो फिजिकली डेंट रहा अगर वो तो वो वारंटी में नहीं होगा या मसला आएगा, तो उसको चेकिंग करने के लिए मतलब इनको 24 घंटे चाहिए, वो इतना टाइम लगता है उन्हें। तो इस वजह से हमारा काम आज हो नहीं पाया, तो हमें कल फ़ोन जो है वो कल मिलेगा, मतलब रिस्पॉन्स हमें आएगा, आज फ़ोन करके बता देंगे वो कैसा क्या काम है। तो ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं कल तक या फिर शाम तक ही फ़ोन करके बताएंगे मुझे फ़ोन कब मिलेगा। तो आज हमारा काम तो हो नहीं पाया भाई, और रोज़ा भी लग गया मेरा, प्यास लगे मेरे को, बहुत थक गया हूँ मैं। तो अभी फटाफट घर पहुँचते हैं और ज़ोहर की नमाज़ भी नहीं पढ़ी है मैंने, तो कहीं अगर इंशाल्लाह रास्ते में मस्जिद मिलेगी तो रास्ते में नमाज़ पढ़ लेंगे या फिर घर पहुँच के वहीं पर नमाज पढ़ लेंगे। और एक चीज़ दिखाऊं, क्या दिखाऊं मेरे को? ये देखो, मतलब वाह, एक तो वैसे ही मेरा रोज़ा है और दिख गई पानी पूरी, इतनी सारी वैरायटी की वहाँ पे, चटनियाँ हैं, मीठी, तीखी, खट्टी, कड़वी, काली। यार ऐसा मत करो यार। तो मैं अब यहाँ वहाँ देखूँगा नहीं, सीधे घर पहुँच जाऊँगा और घर जाके सो जाऊंगा, नहीं नमाज़ पढ़ के सो जाऊंगा, तो क्योंकि रोज़ा लग गया, बहुत प्यास लग रही है, भूख भी लगने लगी, अब तो पानी पूरी दिखा दी मुझे। इतनी तबीयत की धूप है, मतलब इतनी धूप आती कहाँ से है? आसमान से, बादलों से? धूप तो ठीक, ट्रैफिक इतनी हो गई है, देखो नहीं दिख रही है, यहाँ से दिखेगी ऐसे, मतलब क्या है, मजाक है ये? मजाक कर रहे चंदा मामा हमारे साथ? चंदा मामा नहीं, चंदा मामा हो जाए तो अच्छा भी होता है, तो सूरज चाचा है, सूरज चाचा से बात करनी है, रुको। सूरज चाचा जो के बहुत धूप दे रहे हैं, तो हमारा सिग्नल खुल चुका है, चलो। तो अभी घर पहुँचे,
नमाज वमाज पढ़ ली और अब बहुत थक गया हूँ मैं, मेरी आंखों में नींद भरी हुई है, मेरा गला सूख गया है, तो अब मैं जा रहा हूँ सोने, फिर उठता हूँ, फिर आप सबसे मिलता हूँ। A few moments later. Hello, good morning. सो के उठ गया हूँ मैं, रोज़ा लग रहा है पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो अभी शाम हो गई, ऐसी नमाज़ पढ़ ली है और फिर अब हम जा रहे हैं इफ्तारी के लिए फ्रूट्स वगैरह लेने, तो चले जाते हैं फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, इफ्तार की तैयारी करते हैं। वाह पिक्चर बना रहा है, बोलो यार जल्दी बोलो ना, कच्चा बादाम। इफ्तारी ले लिया अपने सारे घर पे, चाचू पीपी बंद कर दिए, देखे देखे। हेलो, अभी हम लोग जा रहे हैं तरावी के लिए, तरावी पढ़ेंगे। ओके, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरियाने मस्जिद गौसिया, कमेटी मस्जिद गौसिया, सिद्दीकी मोहम्मद तकबीर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरावी जो है पूरी हुई, माशाल्लाह हमने पूरी तरावी पढ़ी, आज तरावी की लास्ट दिन था, आज तरावी का लास्ट दिन था, तो बहुत अच्छा लगा, तरावी ख़त्म हुई हमारी और मुकम्मल तरीके से हमने पढ़ी। पर रमज़ान का महीना जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, इतना बरकत का महीना था, इतना इबादत का महीना था, एक नेकी करने के 70 नेकी मिल रहे थे, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो दिन ख़त्म हुआ, थोड़ा बुरा लग रहा था, कोई नहीं, इंशाल्लाह ज़िंदगी मिली, अल्लाह ने तौफीक दी तो अगले साल फिर रमज़ान में इबादत करेंगे, रोज़े रखेंगे और अगले साल देखते हैं इंशाल्लाह, और क्या। तो अभी हमारा सब कुछ हो चुका है, तरावी पढ़ ली हमने तरावी से, और मैं ATM आया था कुछ कैश विदड्रॉ करने, तो अभी मैं जा रहा हूँ माहिम दरगाह जाएंगे, क्योंकि आज थर्सडे है तो हर थर्सडे जाते हैं हम, तो आज ही माहिम दरगाह जा रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्लान होता है हमारा। और हाँ, आज तो लैलतुल कद्र की रात भी है, तो इबादत भी करनी रहेगी, रात भर जागना रहेगा, थोड़ा थक गया है, आज सुबह से घूम रहा हूँ मैं ऐसे भूखा प्यासा, इफ्तारी इफ्तारी की, आज तो रोज़ा भी लग गया था, तो कोई नहीं। यस, तो चले चलते हैं और माहिम दरगाह जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम माहिम दरगाह से निकले ज्यारत करके, और वक्त हो चुका है घर जाने का, और घर जाके थोड़ा आराम करेंगे, और फिर आज शब कद्र की रात है तो इबादत करेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपसे मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तो मेरी ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करके बता सको मेरी ब्लॉग कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।